जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में तीसरे और आखिरी चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। आज यानी कि रविवार को प्रचार का आखिरी दिन है। तीसरे चरण की वोटिंग खास इसलिए है क्योंकि इसमें 40 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। सभी राजनीतिक दल प्रचार में जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जम्मू संभाग में रैली की। इसी बीच कठुआ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि उन्होंने अपना संबोधन जारी रखा। वहीं सचिन पायलट 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। वही कल यानी 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू दौरे पर रहे हैं, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया। बता दें कि जिन 40 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें 24 सीटें जम्मू संभाग में आती हैं, जबकि 16 सीटें कश्मीर वाले क्षेत्र में आती हैं। जानकारी के अनुसार जम्मू की सभी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी और सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी उम्मीद जता रही है कि वो जम्मू की सभी 24 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस यहां वापसी की उम्मीद कर रही है।